हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाने के बावजूद भी कभी कभी कंफ्यूजन इस बात को लेकर आ जा रही है कि सर यानी कि कैश हमारे पास नहीं रहा और हमने एंट्री पास कर दी और अब हमें बैंक डेट में जाना है, तो बैंक डेट में कैसे जाएं। तो ये सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएंगी। अभी यहाँ पर देख सकते हैं एक नई कंपनी मैंने बनाई है, रमेश इंटरप्राइजेस, और फाइनेंशियल ईयर ये देख सकते हैं क्या रखा हमने और करेंट डेट क्या है। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है और करेंट डेट है 2 अप्रैल 2020। ठीक है, अब पहली एंट्री हमें पास करनी है। ठीक है, हमें एंट्री पास करनी है 1 मई को। ठीक है, लेकिन हम एंट्री पास करने जा रहे हैं 2 अप्रैल को। ठीक है, अब यहां से आ गए हम और यहां पर वाउचर्स में चलते हैं और वाउचर्स में जाने के बाद हमको जाना है रिसीट वाउचर में। तो ये रिसीट वाउचर में हमें कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना है, तो यहां पे कैपिटल अकाउंट ये लेजर बनाया हमने, एंटरप्रेस किया। अब यहां पे ग्रुप का सही सिलेक्शन बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं कि बनाते वक्त लेजर आप ये ध्यान रखें कि ग्रुप का सही सिलेक्शन जरूर करिए। अगर ग्रुप का गलत सिलेक्शन कर जाएंगे आप तो आपका लेजर शो नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए इसमें आपने परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लिया और एंटरप्रेस किया। ठीक है, एंटरप्रेस करते हुए यहां पर आ गए। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस तरह से कुछ आ जाएगा। अब यहां पर जैसे ही आएंगे एंटरप्रेस करेंगे यहां पर कैश आ जाएगा और यहां पर आप इसे रिसीव तो करा लेंगे लेकिन ये एंट्री आपकी हो जाएगी गलत, क्योंकि आपने ग्रुप का सही सिलेक्शन नहीं किया है। ठीक है, तो इसीलिए ग्रुप का सही सिलेक्शन बहुत जरूरी है। अब इसको अल्टर कर लेते हैं, तो यहां से जाकर के इसको अल्टर भी कर सकते हैं। हमने लेजर बनाया कैपिटल अकाउंट का, इसी को अल्टर करना चाहते हैं तो यह देखिए परचेज अकाउंट हमने डाल दिया है, लेकिन हमें डालना था किसमें, हमें डालना था कैपिटल अकाउंट। तो सी प्रेस करेंगे, इसको सही कर लेते हैं, कैपिटल अकाउंट कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट कर दिया, एंटरप्रेस करते हुए यहां पर स्टेट और कंट्री ये बहुत कंपल्सरी है डालना, तो यहां पे इंडिया के लिए आई प्रेस करता हूं, इंडिया आ जाएगा, ये आ गया, और स्टेट के लिए यू प्रेस करता हूं, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश आ गया। एंटरप्रेस किया और सारी डिटेल आप देना चाहें तो दे सकते हैं, एंटरप्रेस करके यहां पे आ जाएंगे। तो ये अभी हमारा लेजर हो गया सही। ठीक है, अब यहां पर पहली एंट्री हम पास कर चुके हैं। ठीक है, अब दूसरी एंट्री हम पास करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी एंट्री पास करने के लिए हमें कहां जाना है, वापिस से वाउचर्स में जाना है और हमें आना है कहां पे, परचेज वाउचर में। ठीक है, ध्यान रहे कि आपके पास कैश कितना है। कैश में आपको फिर से दिखा देता हूं, ये जो एंट्री हमने पास की थी कुल मिला के 7,000 रुपए आपके पास कैश है। ठीक है, एंट्री पास करनी थी 1 मई को, आप पास कर रहे हैं 2 अप्रैल को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहां से, यहां पर आएंगे हम। ठीक है, और यहां पर परचेज में एंट्री करेंगे, एंट्री करते समय हम डेट चेंज करेंगे तो F2 प्रेस करेंगे। ठीक है, यहां पर मैं करता हूं 2 किया हमने, एंटरप्रेस किया। ठीक है, यहां पर 1 मई डेट आ चुकी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर 2 अप्रैल ही शो हो रहा है, तो ये इससे आपको कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आप 1/5/2020 अगर आप करते भी हैं तो यहां पर भी डेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंटरप्रेस कीजिए। अब यहां पर परचेज अकाउंट में अगर आप कैश में खरीदारी कर रहे हो तो कैश रखिए, और नहीं कर रहे हैं, देखिए लेजर का सही सिलेक्शन बहुत जरूरी है। अगर सही सिलेक्शन नहीं करेंगे तो फिर आपको एरर आएगी, कभी कैश नहीं शो करेगा, कभी आपका जो लेजर आपने बनाया क्रेडिटर या डेटर पार्टी का वो नहीं शो करेगा। तो सही से सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है, एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, अब यहां पर मैं सन्डरी डेटर और क्रेडिटर पार्टियों का लेजर भी क्रिएट कर देता हूं, जैसे मैं यहां कर देता हूं राम। ठीक है, और आपके पहचान के लिए यहां पे सी लिख देता हूं ताकि आपको पता चलता रहे कि ये क्रेडिटर पार्टी है। ठीक है, यहां पर कर दिया हमने, और यहां पे एस प्रेस करता हूं सन क्रेडिटर के लिए। ठीक है, तो सन्डरी डेटर और क्रेडिटर एस वाले सारे जो ग्रुप्स हैं वो हमें शो हो जाएंगे। हम क्रेडिटर पार्टी का लेजर बना रहे हैं, मेंटेन बिल बाय बिल, इसको यस रखेंगे, एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं मैं, ये करा लिया एक्सेप्ट, एंटरप्रेस करते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए, बाहर आ जाइए, इतना काम आपने कर लिया। अब यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा। ठीक है, अब परचेज के बजाय कुछ और लगा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए यहां से आप परचेज अकाउंट का लेजर लगा लें। तो यहां पे लिखिए परचेज अकाउंट। ठीक है, एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, पी प्रेस कीजिए, परचेज अकाउंट आ जाएगा, यहां पे परचेज अकाउंट ले लीजिए। ठीक है,
फिर यहां पर एक्सेप्ट करा लीजिए। अब इतना काम हो जाने के बाद यहां पर आपको आइटम्स बनाने हैं, स्टॉक आइटम बनाने हैं, ठीक है। लेकिन तभी आपको पता चलता है कि अरे हमें जो एंट्री पास करनी थी वो 2 अप्रैल को नहीं पास करनी थी, 1 मई को पास करनी थी। तो अभी आप क्या करेंगे, अभी आपको बैक डेट में जाना पड़ेगा। बैक डेट में अभी आपका कौन सा डेट चल रहा है, 1 मई चल रहा है ना, तो 1 मई के बजाय आपको अभी जाना पड़ेगा 2 अप्रैल में। तो बैक डेट में जाने के लिए आपको डेट चेंज करना पड़ेगा। तो रिसिप्ट वाउचर में आपने एंट्री बनाई थी वो कहां से देखेंगे, 2 बार डी प्रेस कीजिएगा तो यहां पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने डेट चेंज कर रखा है। हमें उस डेट में जाना पड़ेगा जिस डेट में हमारा हमारी एंट्री पास हुई है, ठीक है। तो उस डेट में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डेट बदलना पड़ेगा। तो F2 प्रेस कीजिए, यहां पे करिए 2/4/2020, ठीक है। इतना आप करिएगा, एंटर प्रेस कीजिएगा तो वो एंट्री अब शो होने लगेगी। 2 बार डी प्रेस कीजिएगा तो यही आपकी एंट्री थी, ठीक है। और ये एंट्री अभी आपको पास नहीं करनी थी, या फिर इस एंट्री को पास करते समय कैश और भी ज्यादा आपको डालना था, तो आप यहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब जब यहां पर आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको जो भी चेंजिंग करनी है यहां से कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि 1 मई को एंट्री करें तो इस एंट्री को आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। यहां से अल्ट के साथ डी प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, ये एंट्री डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और अब आपको दूसरी एंट्री पास करनी है जो कि कितने तारीख को पास करनी है, 1 मई को पास करनी है, ठीक है। तो यहां से वाउचर्स में चलिए, यहां पे चेक कर लीजिए आपका डेट क्या आ रहा है, करंट डेट क्या आ रहा है, वो सारी चीजें चेक कर लीजिए, ठीक है। अभी हमको यहां पे कैपिटल अकाउंट करना है, ये कैपिटल अकाउंट किया, लेकिन यहां पे देख सकते हैं अभी 2 अप्रैल के ही डेट में हमारी एंट्री पास हो रही है। तो यहां पे F2 करता हूं, यहां पे चेंज कर देता हूं 1/5/2020 कर देता हूं, ठीक है। तो अभी ये हो जाएगी, ठीक है। यहां से अब यहां पे कैपिटल अकाउंट करके अब देख सकते हैं यहां पे 1 मई आ रहा है, यहां पे देखिए 1 मई 2020 आ रहा है। अब यहां पे क्या करता हूं, जो भी आपको 20,000 रुपए हम इसमें लगा रहे हैं अपने कंपनी में, तो ये लगा दिया। अब यहां कैश आ गया, एंटर प्रेस किया, नरेशन डाल सकते हैं, एंटर प्रेस कर दिया। तो ये अब हमारी एंट्री जो है, 2 बार डी प्रेस करता हूं तो ये अब दिखाएगा 1 मई में। तो यहां पे देख सकते हैं 1 मई की डेट शो कर रही है। तो इस तरह से आपको बैक डेट में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब कभी कभी ये भी दिक्कत आ जाती है कि आप बैक डेट में तो चले जा रहे हैं लेकिन कैश हमारे पास था नहीं बैक डेट में और हमने एंट्री कर डाली, उसके बारे में बताता हूं। तो यहां पर आ जाते हैं हम, सबसे पहले कहा वाउचर्स में, ठीक है। हमारे पास कुल मिला के 20,000 रुपए हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ठीक है। अब यहां से परचेज पे आ जाइए, अब हम कुछ परचेज करेंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि 8,000 नंबर का सप्लायर इन्वेस्टमेंट, 1 मई को ही खरीदारी कर रहे हैं तो 1/5/2020 कर देते हैं, ठीक है। एंटरप्राइज किया, अब यहां पर दो चीजें शो हो रही हैं, कैश और रामसी, जो हमने क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाया था वो शो कर रहा है। तो यहां से रामसी पर आ जाइए, इसको यहां पे लगा दीजिए, एंटरप्राइज कीजिए, ये सारी डिटेल आप फिल कर सकते हैं चाहे तो। यहां पर आ जाइए, अब यहां पर नेम ऑफ आइटम्स आ रहा है, ठीक है। क्या क्या आइटम आप परचेस कर रहे हैं, तो हम मान लीजिए कीबोर्ड परचेस कर रहे हैं, यहां पर यूनिट्स की बात आएगी तो यूनिट्स बना देते हैं, आईटीएम आइटम कर देता हूं और यहां पर फॉर्मल नेम आइटम दे देता हूं, ठीक है। क्वांटिटी पैक्स पैकेट कुछ भी रख सकते हैं आप, पीसेस ही रख देता हूं, एंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं, एंटरप्रेस कर देते हैं, ठीक है। क्वांटिटी मान लीजिए 5 क्वांटिटी हम परचेस कर रहे हैं या 50 क्वांटिटी मान लीजिए परचेस कर रहे हैं और एक की कीमत हम 700 रुपए चुका रहे हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से 35,000 रुपए की हमने खरीदारी कर ली। अभी इसमें कुछ जीएसटी नहीं लगा रहा मैं, ना मैंने इनेबल किया ना लगा रहा हूँ, एंटरप्रेस किया, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी हो गई पूरी। अब हम आते हैं कहाँ पे इसका पेमेंट करेंगे, हमने खरीदारी तो कर ली, अब इसका पेमेंट करने की बारी है। तो पेमेंट करने के लिए वापस कहाँ चलेंगे, पेमेंट वाउचर में चलेंगे, F5 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, यहाँ पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहला काम कि जो भी हमारी क्रेडिटर पार्टी है ना उसको पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहां पे जैसे ही आएंगे राम सी, तो इनका बकाया है कितना रुपए बकाया है, 35,000 रुपए, और कुल मिला के इनके पास कितने हैं, 20,000 रुपए। अगर आप 35,000 रुपए पेमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो यहां पर ये अगेंस्ट रेफरेंस हो गया, ये यहां पे आ गए और यहां पर आ गए, ये तो हो गया पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आइए, एंट्री करिए, एंटर प्रेस कीजिए। अब देखिए यहां पे तुरंत रेड में शो हो गया
और अगर आपने नेगेटिव कैश वाली जो ऑप्शन है उसको चालू नहीं किया है तो ये वार्निंग आपको नहीं आएगा और ऐसी स्थिति में आप एंट्री भी पास कर लेंगे। तो मान लीजिए 15,000 रुपए आप नेगेटिव कैश में जा रहे हैं, ठीक है, एंट्री पास कर लिया, एंट्री पास कर लिया, यहां तक आ गए, अब बाहर आते हैं यहां से। जब बाहर आएंगे और माल पेमेंट वाउचर में हमने एंट्री तो पास कर दी, इसकी पेमेंट हमने कर दिया, हमारे पास कैश नहीं था, 15,000 रुपए हम माइनस में जा रहे हैं, तो यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। अब हम इसको सही कैसे करें? तो सही करने का एक तरीका है, आप चले जाइए अपने कंपनी में और देख लीजिए कि आपने पेमेंट वाउचर में कब कैश पेमेंट किया था। तो ये देखिए वो डेट है 1 मई 2020 को ही हमने पेमेंट किया है, ठीक है। तो जब पेमेंट करेंगे उसी डेट पे आप चले जाइए, ठीक है, या उससे पहले चले जाइए या उस डेट पे चले जाइए। जैसे मान लीजिए हम 1 मई को पेमेंट कर रहे हैं तो हमें कहां जाना है, वी प्रेस करना है और आ जाना है सीधा रिसीप्ट वाउचर में। हम वो इसी कंपनी में है, देखिए हमारी कंपनी तो यही है ना, रमेश एंटरप्राइजेस, ठीक है। अभी हमें कहां जाना है, वी प्रेस करना है और F6 प्रेस करके रिसीप्ट वाउचर में आ जाना है। ये आ गए हम, अब क्या करना है, यहां पर कैपिटल अकाउंट वापिस ले लेना है, ठीक है। करंट बैलेंस आपका कुल मिला के 20,000 रुपए है, हम क्या करते हैं इसमें 15,000 रुपए और डाल देते हैं, ठीक है, ये हमने डाल दिया, एंटर प्रेस किया। अब यहां पे कैश में डाल रहे हैं तो कैश कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और ये एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एक्सेप्ट हो गया, अब बाहर आ जाते हैं। जब बाहर आएंगे आप और अब हमने पेमेंट किया हुआ है, यहां पे जाएंगे वापिस से वाउचर्स में, तो हम